हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी के लिए मॉक टेस्ट 3 की। मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 हम इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज मॉक टेस्ट 3 में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की। जो कैंडिडेट 21 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। पठानकोट जोगिंदर नगर संकरी रेलवे लाइन का निर्माण कब शुरू हुआ? पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य 1926 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था। यदि हम पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन से जुड़ी कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारियों की बात करें तो इस रेलवे लाइन पर 1929 ईस्वी के दौरान पहली बार ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंगें और 993 पुल हैं। इस रेलवे मार्ग की कुल लंबाई है 113 किलोमीटर। पठानकोट जोगेंद्र नगर रेलवे लाइन के अलावा कालका शिमला रेल लाइन हिमाचल प्रदेश का प्रमुख रेल मार्ग है। यदि हम कालका शिमला रेल लाइन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों की बात करें तो इसका निर्माण कार्य 1891 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था। इस रेल लाइन पर पहली ट्रेन 1906 ईस्वी में चली थी। इस रेल लाइन की कुल लंबाई है 96 किलोमीटर। इस रेल लाइन में 103 सुरंगें और 869 पुल हैं। इस रेल लाइन की सबसे लंबी सुरंग है बरोग, जो सोलन जिले में स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 1143 मीटर, जिसमें कालका शिमला रेल लाइन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था उसमें इसके चीफ इंजीनियर थे H.S. हैरिंगटन। देखिए, ये थी पठानकोट जोगेंद्रनगर रेलवे लाइन और कालका शिमला रेल लाइन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर पंडित जयवंत राम थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर या अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? पंडित जयवंत राम 1952 से 1956 ईस्वी के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये तो बात हुई अध्यक्ष की, लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्ण चंद्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिमाचल की जनसंख्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 0.57% हिमाचल की जनसंख्या है। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय हिमाचल की कुल जनसंख्या 68,56,500 थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.57% थी। सिकरी नृत्य किस जिले में किया जाता है? सिकरी नृत्य चंबा जिले में किया जाता है। किसने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया? बिली पी ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, बिली पी ब्लेजर खजियार किस वर्ष आए थे? बिली पी ब्लेजर 1992 के दौरान खजियार आए थे और ये स्विट्जरलैंड के दूत थे। पगोड़ा शैली का 3 मंजिला मंदिर कहां स्थित है? पगोड़ा शैली का 3 मंजिला मंदिर पराशर में स्थित है। इसके अलावा कुल्लू का हणिम्बा देवी मंदिर भी पगोड़ा शैली में निर्मित है। हिमाचल के लगभग सभी मंदिर 3 शैलियों में निर्मित है, पगोड़ा शैली, पेंट रूफ शैली और गुंबद शैली। ये हैं पगोड़ा शैली में निर्मित मंदिर। ये है पेंट रूफ शैली में निर्मित मंदिर। कुल्लू का बिजली महादेव, चंबा का लक्षणा देवी मंदिर और शक्ति देवी मंदिर
पेंट रूफ शैली से निर्मित हिमाचल के मंदिर हैं। ये है गुम्बद शैली से निर्मित मंदिर। कांगड़ा का ज्वालामुखी, ऊना का चिंतपूर्णी और मंडी का टारना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के गुम्बद शैली से निर्मित मंदिर हैं। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि कब हुई? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि 1 नवंबर 1815 को हुई। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, गोरखाओं के प्रमुख सेनापति कौन थे? गोरखाओं के प्रमुख सेनापति अमरसिंह थापा थे। अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच 1814 ईस्वी के दौरान युद्ध हुआ था। उसके बाद गोरखाओं के प्रमुख सेनापति अमरसिंह थापा ने 1815 में अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था। उसके बाद अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि हुई थी। निम्न में से किस स्थान की यात्रा गुरु नानक देव ने नहीं की थी? गुरु नानक देव ने कांगड़ा की यात्रा की थी, ज्वालामुखी की यात्रा की थी, सिरमौर की यात्रा की थी, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहलूर की यात्रा नहीं की थी। गुरु नानक देव से क्वेश्चन बन सकता है, गुरु नानक देव सिखों के किस नंबर के गुरु थे? गुरु नानक देव सिखों के पहले नंबर के गुरु थे और इनका जन्म 1469 ईस्वी के दौरान और मृत्यु 1539 ईस्वी के दौरान हुई थी। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन किस राजा का समकालीन था? चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा किस ईस्वी में बना? तो देखिए, राजा प्रताप सिंह वर्मन 1559 ईस्वी के दौरान चंबा का राजा बना। कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कुटलहर थी। 2011 जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल के किन्नौर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, 2011 जनगणना के अनुसार किन्नौर जिले की कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो उस समय इसकी कुल जनसंख्या वृद्धि दर थी 7.61% और लाहौल स्पीति की जनसंख्या वृद्धि दर थी -5.10%। लाहौल स्पीति 2011 जनगणना के दौरान हिमाचल का पहला जिला था जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना में 2001 की जनगणना से कम थी। कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कांगड़ा आने वाले पहले यूरोपियन थॉमस कोरियट थे। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल के लेखक WG अर्चर हैं। बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में है? बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा कस्बा एशिया का आड़ू का कटोरा पीच वाउल ऑफ एशिया कहलाता है? राजगढ़ कस्बा एशिया का आड़ू का कटोरा कहलाता है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल से क्वेश्चन बन सकता है, गुप्त काल के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल के प्रथम शासक थे। गुप्त काल के शासकों ने भारत पर किस ईस्वी के दौरान शासन किया? देखिए, गुप्त काल के शासकों ने 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के दौरान भारत पर शासन किया। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति कहां से मिली? बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति पाटलिपुत्र से मिली। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पाटलिपुत्र इस समय किस राज्य में स्थित है? देखिए, पाटलिपुत्र इस समय बिहार राज्य में स्थित है।
भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील देवताल है। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, देवताल किस राज्य में स्थित है? देखिए, देवताल झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, NH-44 की कुल लंबाई कितनी है? NH-44 की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। पहले NH-44 का नाम NH-7 था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति से क्वेश्चन बन सकता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करता है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहली बार वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा कब किया गया था? पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब तक कितनी बार वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? अब तक 15 बार वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 2017 में नवीनतम वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? उस दौरान NK सिया ने वित्त आयोग की अध्यक्षता की थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यटन क्षेत्र में 2018 में भारत में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? पर्यटन क्षेत्र में भारत में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इस समय रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ये हैं रेखा शर्मा। उपन्यास देवदास का लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। आज की वीडियो में हमने बात की मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट HP GK, India GK और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन की। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।